Assalamu alaikum viewers, hope you all are fine and enjoying your life. This is Umair Khan once again in front of you with a new topic, so here we go. Aaj ka topic, identification and pronunciation of consonants. लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि वाउल्स को कैसे पहचानते हैं और इसकी प्रोनंसिएशन क्या होगी, सही तलफ्फुज क्या होगी. आज हम कॉन्सनेंट्स की बात करते हैं. कॉन्सनेंट्स में आपको बताऊं कि इसकी पहचान क्या होगी. जैसे हमने वाउल्स में कहा था कि कोई टचिंग नहीं होगी लिप्स, टंग एंड टीथ की, तो कॉन्सनेंट्स में लाजमी या तो हॉर्न टच हो रहे होंगे या आपके दांत टच हो रहे होंगे या आपके ज़बान जो है आपकी टच हो रही होगी कहीं ना कहीं. तो आइए देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं. बी आपके होंठ मिल रहे हैं, सी आपकी ज़ुबान जो है वो टच हो रही है, डी आपकी ज़ुबान लग रही है ऊपर, एफ़ हवा भी आ रही है मुंह से बाहर और टच भी हो रही है, जी ज़ुबान ऊपर टच हो रही है, एच, जे, के, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, and Z or Z. Viewers, आज मैं आपको एक स्पेशल पहचान बताऊंगा. कॉन्सनेंट्स कुछ ऐसे हैं जिनकी सही प्रोनंसिएशन हम नहीं कर पाते हैं, तो आइए देखिए वो कौन कौन से हैं. इनमें से पी, टी, वी, के, देखिएगा व्यूअर्स, जब हम के प्रोनाउंस करते हैं तो नॉर्मली इसको प्रोनाउंस किया जाता है के, लेकिन आप तभी सही प्रोनाउंस करेंगे अगर आप कोई पेपर लें और खे खे, अगर वो पेपर हिलता है तो आप सही प्रोनाउंस कर रहे हैं, अदरवाइज नॉट. इसी तरह से हम आते हैं पी की तरफ. पी, दिस इज़ नॉट राइट. फी, जस्ट सी, देखिएगा फी फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान, पब्लिक, पोटेंशियल, प्रोनंसिएशन, पाउंड, लाइक दिस. एंड देन टी, यू कैन सी टीचर, टाइगर, टेम्परेचर, टेलीविजन, वाइब्रेशन होनी चाहिए पेपर में. एंड दिस वन वी, वी को प्रोनाउंस करते हुए आप लाइक यू नो वी, ऊपर के दांत और नीचे की जो लिप है, होंठ है, वो टच होंगे. वी, नॉट वी, वी, दिस इज वी. थैंक यू सो मच व्यूअर्स, होप यू हैव फाउंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव फॉर यू एंड सी यू अनदर टाइम विद अ न्यू टॉपिक. Till then, take good care of yourself. Allah Hafiz.